सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, ये बड़ा खुशाइन फैसला है। हमें सुप्रीम कोर्ट का ऐसे सलूट करना चाहिए। इमरान खान क्यों हीरो पाकिस्तान है, बाकी हीरो उम्मत मुसलमान है? देखो, वो उम्मत मुसलमान की भी आवाज़ उठाते हैं और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की धरती के लिए उन्होंने तन मन धन अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। अपने पाँव पर, अपने टांग पर गोलियां भी खाई हैं और सियासी मौत तो उनकी है। पीडीएम की जो 40 चोर मिक्स अचार पार्टी, उनकी तो सियासी मौत हो चुकी है। उनका तो सारा गुरूर समझो मट्टी में मिल गया है। वो फिरौनियत, वो तकबर, वो कहाँ गया जो जुल्म करते थे? इंशाल्लाह अब इनसे एहतसाब होगा। अब ये मुंह छुपाते फिरेंगे, इनको पूरी दुनिया में पनाह नहीं मिलेगी। जो इंसानियत का दुश्मन है उसको कोई मुल्क इंशाल्लाह पनाह भी नहीं देगा। इमरान खान से मोहब्बत ही नहीं बल्कि इतना मोहब्बत करनी चाहिए कि ताकि उम्मत मुसलमान हमें ये ना कहे कि तुम्हारे पास एक उम्मत मुसलमान का लीडर आया था और तुमने खो दिया था, इसलिए हम अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। राणा सनाउल्लाह एक फितना है, मरियम नवाजी एक फितना है, वो हमें दहशतगर्द कहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिसको मुमताज कादरी ने जिसको पानसी किया था, क्या वो पठान था? लाल मस्जिद के अंदर जिसने दहशतगर्दी करवा के उलमाओं को मरवाया, क्या वो पठान था? बाजौर एजेंसी के अंदर जो बम्बार हुआ था और 350 बच्चे इतने हो गए, लोगों ने गोश वंडे, चेहरे नहीं था, क्या वो पठान था? इमरान खान ने किसी का जानी सौदा नहीं किया था, क्योंकि उसके दिल के अंदर रहम था और उसके दिल के अंदर अल्लाह के डर था। उसने किसी का सौदा नहीं किया। उन्होंने कहा मेरे पाकिस्तानी, जब हम अमरीके का और रूस का कमर तोड़ सकते हैं तो ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। दहशतगर्दी वाली बात कर रहे हैं, ये जब दहशतगर्द इंसान होता नहीं है, उसको बनाया जाता है। अगर ये फैसला ना होता है ये इनके मुताबिक, तो मैं आपको वाजह तौर पर कह रहा हूँ कि हर पाकिस्तानी दहशतगर्द होता। क्यों होता? जो भी खून करता वो इधर से चला जाता। क्यों? कि भाई यहाँ तो पाकिस्तान में कानून है भी नहीं है। पीडीएम का मुकम्मल जनाजा निकल गया है, इनकी मौत आ गई है। इलेक्शन अब होगा, इंशाल्लाह इलेक्शन होगा। इससे बड़ा हमारी अदालत कोई नहीं है। जस्टिस साहब को, बंदयाल साहब को खराज तहसीन दोनों हाथों से पेश करना चाहता हूँ। और अस्सलाम वालेकुम जी, राइज टीवी के साथ मैं हूँ अरसलान असलम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने कलदम करार दे दिया है। इसके बजाय 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि इलेक्शंस करवाए जाएं। इलेक्शंस के इस फैसले के आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है, इसके बाद जमान पार्क में हम मौजूद हैं। यहाँ पे लोग, उनमें बहुत जोश व खरोश मौजूद है क्योंकि उनके हक में फैसला आया है। उसी के साथ साथ इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पर भी काम किया जा रहा है, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लोहे की चादरें लगाना स्टार्ट कर दिया गया है। पहले ये चीज़ें नहीं थी, वहाँ तक ये हर कोई जा सकता था। अब यहाँ पे एंट्री भी बंद कर दी गई है और ये लोहे की चादरें लगाना स्टार्ट कर दी गई हैं। यहाँ पे लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ से तशरीफ लाएं सर? मैं डेरा गाजी खान से हूँ। तकरीबन 2 महीने से यहाँ सिक्योरिटी दे रहा हूँ और इस वक्त मैं खान साहब के गेट के ऊपर सिक्योरिटी देता हूँ। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, ये बड़ा खुशाइन फैसला है। हमें सुप्रीम कोर्ट का ऐसे सलूट करना चाहिए। देखें, सुप्रीम कोर्ट को मैं नहीं, पूरी पाक धरती सपोर्ट करेगी और पूरी पाक धरती सलूट करेगी, क्योंकि जो कौम की तर्जुमानी करेगा वो हमारे पाकिस्तान का हीरो होगा। इमरान खान क्यों हीरो पाकिस्तान है, बाकी हीरो उम्मत मुसलमान है? देखो, वो उम्मत मुसलमान की भी आवाज़ उठाते हैं और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की धरती के लिए उन्होंने तन मन धन अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। अपने पाँव पर, अपने टांग पर गोलियाँ भी खाई हैं। इससे बड़ी और क्या कुर्बानियाँ दे? वो अपने कहते हैं मेरा जीना मरना यहाँ है। और उसने कहा मेरा ये जो बनी गाला है, अपना 300 कनाल का घर है, मैं तो ये भी चाहता हूँ, बल्कि उसने वसीयत कर दिया कि मेरे मरने के बाद ये शौकत खानम का। तो पूरी कौम को, पूरी उम्मत मुसलमा को ये देखना चाहिए कि ऐसे लीडर हमें बार बार नहीं मिलते। तो अब कैसी आपकी तैयारियाँ इलेक्शंस के बारे में, कैसी तैयारियाँ? इलेक्शन की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भरपूर है और हमें समझो हमारी ये कंपेन ही रही। और सियासी मौत तो उनकी है, पीडीएम की जो 40 चोर मिक्स अचार पार्टी, उनकी तो सियासी मौत हो चुकी है। उनका तो सारा गुरूर समझो मट्टी में मिल गया है। वो फिरौनियत, वो तकबर, वो कहाँ गया जो जुल्म करते थे? इंशाल्लाह अब इनसे एहतसाब होगा। अब ये मुंह छुपाते फिरेंगे, इनको पूरी दुनिया में पनाह नहीं मिलेगी। जो इंसानियत का दुश्मन है उसको कोई मुल्क इंशाल्लाह पनाह भी नहीं देगा। अच्छा, आपने ये किताब उठाई हुई है, इमरान खान साहब की किताब है, तो पढ़ते भी हैं, आपने पढ़ी भी है ये सारी किताब? ये पर्सनल हिस्ट्री है इमरान खान की। एक और बुक भी है, मैं और मेरा पाकिस्तान, वो उर्दू में है, वो मैंने पढ़ी है। ये इंग्लिश में है, मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मेरी तालीम ज़्यादा नहीं है, तो अंडर एफ ए हूँ मैं। उसके बाद जो है ना, मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं पूरी समझ जाऊँगा। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ
कि हमें इमरान खान से मोहब्बत ही नहीं बल्कि इतना मोहब्बत करनी चाहिए कि ताकि उम्मत मुसलमा हमें ये ना कहे कि तुम्हारे पास एक उम्मत मुसलमा का लीडर आया था और तुमने खो दिया था। इसलिए हम अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, हम अपनी रोज़ी रोटी हर चीज़ छोड़कर यहाँ खान साहब के डेरे पर, यहाँ खान साहब के दरवाजे पर, जब तक वो सिक्योर नहीं होता हम सिक्योरिटी सर अंजाम दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से तशरीफ़ लाएँ सर? बाजौर एजेंसी से। बाजौर से इतनी दूर से, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए? मुझे 6-7 माह हो गए। अच्छा, 6-7 माह से यहाँ पे इमरान खान की सिक्योरिटी दे रहे हैं आप? पर कहता पड़ा इंशाल्लाह, 1-2 घंटे रक्षा चलाता वो कड़ा है, फिर इधर आ जाता ड्यूटी करता। अच्छा, डेली रक्षा भी चला रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी, फिर रात को आ जाता। बिल्कुल। क्यों इतनी मोहब्बत क्यों है इमरान खान से? इमरान खान एक अच्छा लीडर है और पिछले 70 सालों में देखो जितना भी लीडर आया ना, हमारी एजेंसियों के लिए बहुत जहरीले था। उन्होंने हमें बेचा और डॉलर लिया और हमें मारा दहशतगर्द के नाम पर। जो 8.5 साल की हुकूमत हुआ है KPK में, तो इस चीज़ का हम कसम खाते हैं कि ना फौजी ऑपरेशन हुआ ना पुलिस ऑपरेशन हुआ। अब से कुछ दिन पहले भी मरियम नवाज़ साहिबा या फिर नून लीग की तरफ से ये तासुर दिया गया था कि जमान पार्क में दहशतगर्द मौजूद हैं, KPK से लोग आए हुए हैं, वो क्या पश्तूनों को दहशतगर्द कहना चाह रही थी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मरियम एक अच्छा नाम है, ठीक है, उसको मैं इतना गलत तरीके से नहीं, लेकिन उसको मैं एक पितना कह रहा हूँ। वो एक पितना है इस पाकिस्तान के अंदर। राणा सनाउल्ला एक पितना है, मरियम नवाज एक पितना है, वो हमें दहशतगर्द कहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिसको मुमताज़ कादरी ने जिसको पानसी किया था, क्या वो पठान था? लाल मस्जिद के अंदर जिसने दहशतगर्दी करवा के उलमाओं को मरवाया, क्या वो पठान था? बाजौर एजेंसी के अंदर जो बम्बार हुआ था और 350 बच्चे इतने हो गए, लोगों ने गोश्त वांडे, चेहरे नहीं था, क्या वो पठान था? इन चोरों को हुकमाता और ये चोर डॉलर लेता था और अमेरिका चुन चुन के देखता था। अमेरिका ये देखता था कि कौन सी पाकिस्तान के अवाम से हमें खतरा है और कौन सा पाकिस्तान के अवाम हमें रगड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे हमें दहशतगर्द बना के ये लोग मारता था और वहाँ से डॉलर था। असली पाकिस्तान के पास कोई कारोबार नहीं है, इन्होंने आज तक साइकिल भी नहीं बनाया। जब तक भी इन्होंने डॉलर लेकर आए, हमारे खून बेचा हुआ है, उन्होंने डॉलर लेकर आए। इमरान खान के ऊपर तंगी किया हुआ है क्योंकि इमरान खान ने किसी का जानी सौदा नहीं किया था, क्योंकि उसके दिल के अंदर रहम था और उसके दिल के अंदर अल्लाह के डर था। उसने किसी का सौदा नहीं किया। उन्होंने कहा मेरे पाकिस्तानी, उन्होंने नहीं कहा कि मेरे पठानो या मेरे कोई, उन्होंने किसी को नहीं बोला। उसको हर लफ्ज़ एक है कि मेरे पाकिस्तानी हूँ। और ये बग़ैरत लोगों ने पाकिस्तान का टुकड़े बना दिया, सिंध को अलग किया और पंजाब को अलग किया, KPK को अलग किया और उसको अलग किया। अगर इमरान खान के साथ जुल्म हो जाता था, कसम खुदा के हमारा भी दिल था कि हम अपने KPK को नाम देगा पुख्तनख्वा, पुख्तनिस्तान, हम इनसे अलग हो जाएगा, क्योंकि इनके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। इनके लिए हम कुर्बानी देता रहेगा और इनको डॉलर लेकर आएगा। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं पख्तूनस्तान की। मैं आपको कह रहा हूँ, ये चैलेंज हम पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान से प्यार है। जब हम अमरीकी का और रूस का कमर तोड़ सकते हैं तो ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से तशरीफ लाए? इमरान न्याजी, PP 83 गोले वाली सर। कितने दिन से यहाँ पे मौजूद? आज दूसरा दिन है, पहले भी मैं यहाँ आ रहे हूँ। जब यहाँ पे हमले हुए हैं ना, तो मैं तो वैसे तो जब से PTI आई वहाँ से हम इनके साथ सफ़र के साथ हैं, तो हम लोग जो है ना इमरान खान के इंशाल्लाह साथ हैं और साथ रहेंगे। दूसरी बात रह गई सर, जो आप दहशतगर्दी वाली बात कर रहे हैं, ये दहशतगर्द इंसान होता नहीं है, उसको बनाया जाता है। ये जो लोग दफे लगाते हैं ना लोगों पे और बेगुनाह इनको मारते हैं, उसकी वजह से इंसान गलत हो जाते हैं। तो वो दहशतगर्दी याद नहीं है राणा सनालो को, जब मॉडल टाउन में इन लोगों ने लोगों को मारा था, कितने लोगों को मारा था। इंशाल्लाह उनकी पुकार अभी भी वो जिंदा है, इनको वही जलील और ख्वार वही लोगों के करेंगे। रहेगी अगली सर बात चीफ जस्टिस साहब के अताब अंदयाल की, वो हमारा गिराई है, हमारे पड़ोसी है। मैंने पहले भी आवाज़ दी थी, हम वकला के भी साथ हैं और सब लोगों के साथ हैं इंशाल्लाह। तो वो रंग लाए ना आखिरकार इंशाल्लाह। अगर ये फैसला ना होता है ये इनके मुताबिक, तो मैं आपको वाज़े तौर पे कह रहा हूँ कि हर पाकिस्तानी दहशतगर्द होता। क्यों होता? जो भी करता वो इधर से चला जाता। क्यों? कि भाई यहाँ तो पाकिस्तान में कानून है भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि इनके मुताबिक नहीं है। आज मैं कब्जा कर लेता, कल वो भाई कर लेता, परसों तुम कर लेता, कानून न होता। और हम खान साहब के लिए
खड़े हैं इंशाल्लाह और खड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहां से तशरीफ लाए? मैं जिला खुशाब का शहर है मिठाटवाणा, अपनी मंजी ते अपना सराना खान दा दीवाना जस्टिस के जिले से आया हूं। इसका मतलब आप भी उधर अता बंदियाल के जिले से आए, तो क्या कहना चाहेंगे आज की इस फैसले? बहुत प्यारा फैसला हुआ है, बहुत ही हमारा नजर थी अदलिया के ऊपर, हमें एतमाद था, अच्छा फैसला हुआ है। इंशाल्लाह पीडीएम का मुकम्मल जनाजा निकल गया है, इनकी मौत आ गई है, इलेक्शन अब होगा, इंशाल्लाह इलेक्शन होगा। इससे बड़ा हमारी अदालत कोई नहीं है, अल्लाह ताला की अदालत है और उसके बाद हमारी ये अदालत है। तो क्या कहना चाहेंगे अता बंदियाल को, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने जिले का मान, जिले की पहचान जस्टिस साहब को, बंदियाल साहब को खराज तहसीन दोनों हाथों से पेश करना चाहता हूँ और